चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं रोबस्ट होटल्स लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 218 रुपीज की, और पेट्रोल की स्कोर है 5 का। इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में, और ये होटल वगैरह के मार्केट में है। ये होटल हयात रेसिडेंसी नहीं, इनको अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट के साथ में, अपन ने इसको डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है। कंपनी का रिटर्न इक्विटी जो है 1.71% है लास्ट 3 ईयर से। वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ गए हैं 44.6 डेज से, बढ़ के सीधा 356 डेज हो गए हैं। डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं 34 दिन से, कम होकर के 21.9 डेज। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है लास्ट 3 क्वार्टर के प्रॉफिट में 2.06 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। उसके पहले यहाँ कोई इनका प्रॉफिट लॉस फ्लक्चुएट होता रहता है। बाकी अगर अपन देखें तो शुरुआत में इन्होंने 74 करोड़ का 2022 में प्रॉफिट किया था, उसके बाद फिर लॉस हुआ है इनको 14 करोड़ 2023 में, 14-14.80 करोड़ का लॉस था। तो इस तरीके से इनको अलग अलग क्वार्टर्स पे फ्लक्चुएट होता रहता है इनका प्रॉफिट। अब यहाँ 2024 में देखें तो 5 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके पहले 55 करोड़ का प्रॉफिट था, अच्छा खासा प्रॉफिट था 2023 में। उसके बाद में जो है लगातार यहाँ नेगेटिव है, 35 करोड़ का नेगेटिव, 34 करोड़ का नेगेटिव, 21 करोड़ का नेगेटिव है। अब अगर अपन यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें तो -17 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 79 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 29 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो इस तरीके से हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 65.63% की प्रमोटर होल्डिंग है, डीआईएस की होल्डिंग 0.22% की है, पब्लिक होल्डिंग है 34.14% की। चलिए अब अपन चलते हैं इनके चार्ट पे। चार्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने को साफ दिख रहा है कि अपन ने जिस लेवल को अपन ने टेस्ट किया था यहाँ पे अगर अपन देखें तो 236 का लेवल था। 236 के लेवल से ये सिर्फ 1 रुपये ऊपर गया, और उसके बाद फिर ये लगातार यहाँ से वापस आ गया है। तो अपने को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये जो है इस लेवल को यहाँ पे दूसरी बार टेस्ट करके रिजेक्शन हुआ है इसमें। तो अगर अपने को लेवल को चेंज करना है तो अपन इसको 240 कर सकते हैं। बाकी जैसा आपने देखा कि यहाँ पे चूंकि पीएनएल फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इस तरह की कंपनियों से थोड़ा सा अपने को वैसे भी केयरफुल रहना सही है। बाकी मानकर चलिए जैसे ऐसी सिचुएशन बनती है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है कि ट्रेड में घुसते हैं और उसके बाद फिर इश्यू होता है, तो मान लीजिए अगर एसएल लगता है 1% का एसएल लगा, तो उसके बाद री एंट्री कैसे प्लान करें। तो री एंट्री प्लान करने का सबसे अच्छा तरीका है पिविट को देख करके प्लान करना, क्योंकि फिर उसके बाद फिर वहां से पिविट बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे पिविट ऑलरेडी बन चुका है, 241 के बाद ही अब हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं। बाकी अपना अगर जैसे जिसका भी अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह लेकर के चल रहे थे तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो जैसा आपने देखा कि कई बार स्टॉक के बारे में हमने पहले भी एक बार इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि कई बार वो लेवल को क्रॉस करता है और फिर उसके बाद वापस आना शुरू होता है, तब हमारे लिए वो एसएल की जो आदत है स्टॉप लॉस की सही जगह पर लगाने की, मैक्स लॉस को माइंड में रखने की, वो बहुत काम आती है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि मैक्स लॉस को हमेशा माइंड में रखा जाए ट्रेड रखने के पहले। तो चलिए बस इसमें इतना ही है। अगर आप लोगों को और अच्छा डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी है, ट्रेड करना सीखना है, और इसमें एसएल को कैसे कैलकुलेट करके कैसे रखना है और किस तरीके से अपने ट्रेड को पोजीशन बनानी है, ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।